मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और तमाम पीटीआई लोधा के वर्कर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सारों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आजकल जिस भी बात करें, बात होती है कि पीटीआई का टिकट किसको मिलेगा, किस एमपीए को मिलेगा, किस एमएनए को मिलेगा। मैं समझता हूँ इस दफा बल्कि हर दफा टिकट मिलना चाहिए बेस्ट कैंडिडेट को। बेस्ट कैंडिडेट वो है जो सुबह, दोपहर, शाम, रात अपने पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, हर वोटर के पास जाते हैं और अपने वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो ही सिर्फ हकदार है टिकट का। पिछले इलेक्शन में हमारी ये कोशिश थी कि हम हर घर में जाएं और हमने इकट्ठे मिलकर टिका के मेहनत की थी। इलेक्शन तो हम नहीं जीते, लेकिन माशाल्लाह हुकूमत के खिलाफ 90,000 वोट लिए और ये बड़ी फख्र की बात है। पिछली दफा मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि कैंपेन के दिनों में मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 3 महीने की छुट्टी मिली थी। जैसे आप सारों को मालूम है, आजकल मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री वहां से कंप्लीट कर रहा हूँ। डिग्री का स्ट्रक्चर यह है कि मुझे हर महीने 10 दिन ऑक्सफोर्ड में लगाने होते हैं। इंशाल्लाह सितंबर में मेरी डिग्री मुकम्मल होगी, लेकिन इलेक्शन आ गया 25 जुलाई को, जिसका मतलब है कि जून और जुलाई कैंपेन के महीने हैं। इन 40 दिनों में मुझे 20 दिन ऑक्सफोर्ड में देने पड़ेंगे, ये मेरी मजबूरी है। तो क्योंकि इस दफा मैं अपना 100% टाइम और एफर्ट कैंपेन में नहीं दे सकता, मैं समझता हूं कि इस दफा पीटीआई टिकट का मैं हकदार नहीं। तो मैं आप सारों से आज ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट पीटीआई चुने, आप उसको दिल से सपोर्ट करें। वो कैंडिडेट अगर एक जवान नजरियाती वर्कर हो जिसने शुरू से खान साहब की आइडियोलॉजी के साथ को सपोर्ट किया और साथ खड़ा हुआ, हर धरने पे गया, हर जलसे पे गया, या एक सीनियर पॉलिटिशियन जिसका रिकॉर्ड है जीतने का लोधरा में, जिसको भी टिकट मिले, मैं आप सारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस कैंडिडेट को सपोर्ट करें और कामयाब करें। इंशाल्लाह मैं और मेरे वालिद साहब भी उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, ऐसा सपोर्ट करेंगे जैसे हम अपना इलेक्शन लड़ें, और इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलकर उस कैंडिडेट को यहां से जितवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी और इंशाल्लाह हमारे कायद इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। आप सारों का बहुत शुक्रिया।